हाय दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, कैसे हो आप लोग? हो बढ़िया होंगे सब। और हम छत में आ गए हैं और छत में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता। देख रहे हैं बढ़िया से धूप है और यहीं पे लेके आए हैं, देखिए पोहा का नाश्ता। तो बस यहीं पे चाय भी लेके आए हैं, एक बार चाय हमारा हो चुका था, सोचे यहीं पे चलिए चाय नाश्ता कर लेते। आप लोग भी आ जाओ, यूट्यूब फैमिली साथ में बैठ के खाते हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल चलाया जा रहा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मोबाइल के आगे ना खाना ठंडा हो जाता है, नाश्ता ठंडा हो जाता है, चाय भी ठंडी हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पे अभी 11 बज रहा है और यहाँ पे अब मैं आ गई नीचे और नाश्ता वगैरह हो चुका था। मैंने सोचा आराम से खाना बनाऊंगी और आज सभी कोई घर में ही है, छुट्टी है, तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी चौंक रही। यहाँ पे दाल चढ़ा दिया मैंने और छोटा कुकर में सेटी, गैस नहीं बनता इसके, मुझे ये वाला कुकर चढ़ाना पड़ रहा। और यहाँ पे आलू और लाल भाजी की सब्जी बन रही है। यहाँ पे पहले आलू अच्छी तरह से भून लेती हूँ और ये देखिए आलू भून चुकी है। यहाँ पे लाल भाजी और इसे मैंने थोड़ा पालक भी ऐड कर दिया है, तो बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनती है। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे धो लिया था और रख दिया था ऐसे। ये देखिए यहाँ पे हल्दी डाल दे रही हूँ और हल्दी डालने के बाद अब इसमें डालूँगी भाजी। आप लोग कैसा बनाते हैं आप लोग बताइएगा। सब्जी वही होती, बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसमें स्वाद भी डिफरेंट इसीलिए हो जाता है। और बस यहाँ पे आलू भुन गई है तो भी चलिए लाल भाजी और ये डाल देते हैं, मिला देते हैं। और इसको मैं ये आराम से मैंने डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा चला दूँगी ताकि नीचे मसाले आलू जले नहीं। और फिर इसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं इसको ढक दूँगी। और अभी तो भाजी दिख रही है, जब ये भाजी बपा जाएगी तो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी दाल पक चुकी है और ये देखिए ये हमने दाल बनाया है, बड़ी वाली दाल, ये बड़ी दाल डाली हुई है, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो ये कोहड़ा वाली बरी है जो आजकल ही बनाया जाता है, सिर्फ साल भर में एक बारी बनती है। और यहाँ पे बस हमारी सब्जी भी पक जाएगी तो यहाँ पे मैं अब रोटियाँ भी सीखना। मैंने यहाँ पे दाल पक गई तो चावल चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं एक साइड में रोटी भी बनाती जा रही हूँ ताकि हमारा फटाफट। और यहाँ पे देखिए भाजी बिल्कुल बहुत ही कम सी हो गई है और यहाँ पे अब मैंने डाल दी है गर्म मसाला और ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। और बस चलिए फिर कुछ रोटियां रह गई हैं और उनको भी सेक लेती। हमारा दोपहर की लंच बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए बस हो गया, फटाफट से भाई रोटियां भी बन जाएंगी और चलिए फिर सभी को साथ में बैठ के खाना। सो गाइस, हमारा खाना इस समय मोबाइल के आगे बढ़ करता, छोटा सा वीडियो बनेगा फिर बंद हो जाता है। तो मैंने खाना यहाँ पे बना लिया है और चलिए फिर थाली लगा दी हूँ। तो चलिए फिर अब यहाँ पे खाना वाना कर लेंगे, फिर इसके बाद बर्तन वगैरह, किचन क्लीनिंग, बहुत ढेर सारा काम है। और इस टाइम ऐसा है ना, लगता है छत में जाओ तो थोड़ी धूप लो तो गर्मी लगती है और नीचे रहो तो ठंडा लगता है। तो चलिए फिर क्या क्या मैंने बनाया है दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चावल बना हुआ है, बड़ी वाली दाल है, मूली है, आंवला का अचार है, यहाँ पे लाल भाजी की सब्जी है आलू के साथ और यहाँ पे घी चुपी हुई रोटियां। तो चलिए फिर इनके लिए मैंने थाली लगा दिया है और चलिए फिर अपने लिए भी लगाऊंगी और सबके लिए। और चलिए फिर यूट्यूब फैमिली आप लोग भी आ जाइए।